देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 यानी कि तीसरे चरण के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। अब पूरे देश भर में 3 करोड़ और नए घर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अगर आप भी पीएम आवास योजना 3.0 के तहत आवेदन करके लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को 1 लाइक नहीं किया, इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना तीसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। ऐसे लाभुक जिनको अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जो छूट गए हैं, वे सभी लोग तीसरे चरण के तहत आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से तीसरे चरण में 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना तीसरे चरण के तहत आवास का तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ आप लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत LPG गैस कनेक्शन, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। साथ ही नए घरों में शौचालय की भी सुविधा दी जाएगी। शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए मिल सकते हैं। पीएम आवास योजना 3.0 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण इलाकों में लाभुकों को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और ये राशि 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी। वही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र के इलाकों में लाभुकों को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और ये राशि भी 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी। अगर दोस्तों इसकी पात्रता की बात करें तो लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को ही दिया जाएगा। इसके तहत लाभ के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में कहीं पर भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। पहले से किसी सरकारी योजना के तहत आवास के लिए लाभ ले चुके लाभार्थियों को लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि ऐसे लाभुक जिनको अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वही लोग आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही अगर जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शपथ पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होने वाली है। अगर साथियों आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट मौजूद है और आप इलिजिबल होते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 2 तरीके दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिए जाते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रधान या वार्ड सदस्य मिलकर इस योजना के तहत आपको बात करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको इस योजना के आवेदन करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर आपसे कुछ इस तरह का फॉर्म भरवा कर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। अगर दोस्तों शहरी क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री योजना शहरी क्षेत्र वालों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के खुद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी किसी भी साइबर कैफे की दुकान पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको एक रिसीविंग भी मिल जाती है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन प्रक्रिया होता है। अगर आप यहाँ पर इस योजना के लिए पात्र होते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 3 किस्त में राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।